जय इंद्रधनुष। दुनिया के बच्चे और प्लेनेट और रिस्पांसिबिलिटी और प्लेनेट और रिस्पांसिबिलिटी। जी सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आज यहाँ पर तशरीफ लाया। आज हमारे यहाँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का यहाँ पर हमने इनेकाद किया था। उसी के सिलसिले में सबसे पहले हमने पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ पेंटिंग के ज़रिए आज के इस हवाले से माहौल के हवाले से डिफरेंट इशूज़ को हाईलाइट किया। उसके अलावा हमने सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और एक मैसेज जाए कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए और माहौल कितना ज़रूरी है साफ़ सुथरा रखना, उसके लिए हमने एक रैली भी आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन दिलना से निकाली और जो कि आज 2 किलोमीटर हमने कवर किए। उसमें से मैसेज यही थी कि हमने जिस तरह इस साल का स्लोगन भी था प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, चूँकि इस साल इकोसिस्टम जो हमारा है हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़ प्लास्टिक का यूज़ हम एक्सेस कर रहे हैं और यूएन की भी यही मैसेज है और हमारी कंट्री में भी यही मैसेज है कि हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ में लाएं और अगर हम लाएं भी तो वो यूज़ लाएं कि जो रिसाइकल हम कर सकें। चिनाची अभी आपने देखा कि रैली भी कंक्लूड हुई, उसके अलावा हमने क्लीनर्स ड्राइव भी आज रखा था, वो भी हमने आज हमारी जो प्रेमिसेस थे वो भी क्लीन किया। इसके अलावा आज हमारे यहाँ प्लांटेशन ड्राइव का भी इनेकाद करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि मुख्तलिफ इशूज़ को मुख्तलिफ इवेंट्स के ज़रिए इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करना और खुसूसन हमारे जो आने वाली नई जनरेशन है बच्चे हैं इनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि कितनी हमारे लिए एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन होना ज़रूरी है।